Okay, hey, what's up guys, this is Sonu Tanwar back again with a new video. Okay, hey, what's up guys, this is Sonu Tanwar back again with a new video. आज की इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है कॉम्बो, एंड दिस इज द कॉम्बो नंबर वन. इसी तरह से हमारी कॉम्बोज की सीरीज चलेगी आगे तक. इसी तरह से आपको जो है कॉम्बोज नंबर वन टू, इस तरह से आपको जो है कॉम्बोज आगे मिलेंगे. तो कॉम्बोज मतलब आप जब एक साथ कई सारी मूव्स को एक साथ जो है एक लय में चलाते हो तो उसे हम जो है कॉम्बोज बोलते हैं. और कॉम्बोज का जो है लाठी के अंदर एक अपना अलग सीन होता है बिल्कुल. और कॉम्बोज जो है इस कला के अंदर बिल्कुल जो है एक निखार लाते हैं, राइट. और जितना ये निखार लाते हैं आपको जो है उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत होती है इसमें. और डेफिनेटली यार आपको इन कॉम्बोज को सीखने से पहले उन मूव्स को सीखना होगा जो कॉम्बोज के अंदर चल रही हैं, राइट. क्योंकि जब तक आप जो उन मूव्स को नहीं सीखोगे तब तक आप कॉम्बोज नहीं कर पाओगे भाई. तो सबसे पहले आपको उन मूव्स को सीखना है जो कॉम्बोज के अंदर चल रही हैं. तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको लाठी का बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और जो आपको नहीं आती तो थोड़ा बहुत आप जो है अपने हिसाब से भी जो है इसको मैनेज कर सकते हो. तो आपको जो है कॉम्बोज सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा आपको करनी होगी और डेफिनेटली आप जो है बहुत बढ़िया करके दिखाओगे. और मैं आपसे वादा करता हूँ जितना आप सीखोगे ना मैं उतना ही आपको सिखाने वाला हूँ. तो चलिए बिना देर के आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बो नंबर वन. दोस्तों आज की इस मूव को जो है हम स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे. तो इसके अंदर जो है मैंने तीन स्टेप्स बनाए हैं तो तीनों स्टेप्स को जो है आप सीखकर इजीली जो है इस मूव को क्रैक कर सकते हो. तो सबसे पहले सीखते हैं स्टेप वन. दोस्तों स्टेप वन जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से. आपको लाठी जो है सेंटर से होल्ड करनी है. इसके बाद आप जो है इसे अपने राइट पैर से पुश करोगे इस तरीके से, ठीक है. यहाँ से आपने लाठी नीचे रखी हुई है, ये आपने पुश किया. पुश करने के बाद आप यहाँ पर एक रोल होगा दोनों हाथों से इस तरीके से, ठीक है. और ये एक बहुत बेसिक मूव है जो मैंने आपको बहुत पहले सिखाई हुई है. तो इस तरह से एक रोल होगा. रोल करने के बाद आपको जो है राइट हैंड से इसे जो है बैक साइड में इस तरह से ले जाना है, ठीक है. बैक साइड ले जाने के बाद अब यहाँ पर जो है आपको दूसरे हाथ से इसे जो है चेंज करना है अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से. इसके बाद ये धीरे धीरे आगे की ओर आएगी. आगे की ओर आने के बाद आपको जो है इसे राइट हैंड से दोबारा से कैच करना है इस तरीके से. और कैच करने का सीन हमेशा सेम रहता है. इस तरीके से आपने कैच किया, ये आप अपने राइट ओर लेके आए और आपकी बाजू के नीचे जो है लाठी और हाथ आपका सामने. और स्टेप वन जो है फिनिश. एक बार फिर से देखिए. सबसे पहले आपने जो है स्टार्ट किया, ये आपने लाठी को किया पुश, दूसरे हाथ से चेंज किया, एक रोल करने के बाद इसको आप ले गए बिहाइंड योर बैक. इसके बाद आपने दूसरे हाथ से इसे जो है कैच किया. कैच करने के बाद आपको जो है इसे आगे की ओर लेके आए. आगे की ओर लेकर आने के बाद आपने अपने राइट हैंड से दोबारा से कैच किया और अपने राइट साइड लेकर आने के बाद हाथ सामने और लाठी आपके बगल के नीचे, राइट. अब इस स्टेप को जो है हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि जब तक फास्ट नहीं होगा तब तक जो है आपकी मूव सक्सेस नहीं होगी. सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, यहाँ से एक राउंड आपने लिया या आप बैक ले गए, डन. तो दोस्तों ये तो था स्टेप वन. अब हम बात करते हैं स्टेप टू की. तो स्टेप टू वहां से स्टार्ट होगा जहां आपका स्टेप वन फिनिश हुआ है, राइट. तो सर अब आप सीखिए स्टेप टू. हमारा जो स्टेप वन फिनिश हुआ था वो हुआ था यहाँ पर. और स्टेप टू जो है यहीं से आपका जो है स्टार्ट होगा. इसको इसमें जो है आपकी मूव चलेगी वो चलेगी हेलीकॉप्टर. तो हेलीकॉप्टर मूव सीखने के लिए आपको जो है ऊपर जो है आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है उस मूव को सीख सकते हो. तो सबसे पहले आपको हेलीकॉप्टर मूव सीखनी होगी. तो यहाँ से जो है आपने हेलीकॉप्टर मूव स्टार्ट की और उसको स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बॉडी को एक राउंड देना है पैर के साथ. इस तरह से आपने राउंड दिया और ये लाठी गई ऊपर की ओर. दूसरे हाथ से आपने चेंज किया, आपकी बॉडी जो है नीचे की ओर झुकी
यहाँ से आपने इसे दूसरे हाथ से जो है कैच किया, आपका पैर आगे की ओर आया और दूसरे हाथ से आपको जो है इसे इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरी पोजीशन सेम वही आ गई है जो स्टेप टू को स्टार्ट करने से पहले मेरी थी, ठीक है। तो सेम पोजीशन आपकी आ गई। इसके बाद आपने 1 then 2 3 then 4 और यहाँ पर आपका जो है स्टेप टू करना है। एक बार फिर से देखिए, स्टेप वन आपका फिनिश हुआ था यहाँ पर। यहाँ से आपने एक राउंड, ये दूसरे हाथ से चेन आपके पीछे की ओर लाटी गई, यहाँ से आपने फिर एक राउंड लिया और इसके बाद आपने दूसरे हाथ से होल्ड किया और दिस 1 2 3 then 4। इसी चीज़ को हम जो है थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि जो है आप और अच्छे से इसे समझ पाए। सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा यहाँ से। ये आपने एक होगा ऊपर की ओर, ये पैर आगे, देन 1 2 3 4। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट देन दिस, ये 1 2 3 4। तो दोस्तों यहां पर आपका जो है स्टेप टू फिनिश। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेप थ्री। स्टेप थ्री आपका वहां पर स्टार्ट होगा जहां से आपको जो है स्टेप टू फिनिश हुआ है। तो स्टेप टू जो आपका फिनिश हुआ था वो होता यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 then 4। यहाँ पर आपका स्टेप टू फिनिश हुआ और आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के साथ भिड़के होंगे इस तरह से। और इसके बाद जो है आपको जो है इस हाथ को छोड़ देना है एक तरफ और ये पैर आपने आगे लिया इस तरीके से, लाटी गई आपकी बैक साइड, दूसरे हाथ से चेंज, उसके बाद आपका जो है ये पैर पीछे, दूसरे हाथ से फिर से चेंज, 1 2 3 4 एंड देन लाठी आपके बगल में, हाथ नीचे और दिस इज द मंक। तो स्टेप टू जो आपका फिनिश हुआ था वो है यहाँ पर, यहाँ पर 1 2 3 4। इसके बाद आपका जो है राइट पैर आगे, ये इस तरह से लाठी घूम कर गई आपकी बैक साइड पीछे की तरफ, दूसरे हाथ से चेंज किया ये राइट पे पीछे, फिर से आपको जो है लाठी को उसी हाथ से पकड़ना है, देन 1 2 3 and 4। उसके बाद आपको पैरों को एक साथ लेके आना है ये बगल में लाठी, और देन दिस इज द और इसे हम जो इस पोज को हम जो बोलते हैं मोंग पोज, और लाठी आपकी जो है इस तरीके। तो फिर से देखिए, ये पैर आपका आगे, 1 1 2 3 and 4 and this फिनिश। तो दोस्तों ये था आज का कॉम्बो एंड दिस इज द कॉम्बो नंबर 1। यार कॉम्बो का सीन कुछ ऐसा है कि आप जब इसे शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे तो आपको शायद लगेगा कि यार ये हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन यार जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप सीखने वाले हो, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती और ये सच्चाई है। और तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार काम करना है इस पे, क्योंकि देखने में थोड़ा आसान लगेगा लेकिन जब करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको इस जो है इस कॉम्बो करने के लिए दीजिए अपना। तो और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी सवाल इस मूव से जुड़ा हुआ हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए होता है। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका दिल करे तो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उस बेल आइकन को जरूर से प्रेस किया करो यार, उस बेल आइकन का फायदा होता है कि आप जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले, आप डेफिनेटली सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो मिलता हूँ जल्द आपसे अगली वीडियो में, और जितना आप सीखोगे मैं उतना ही आपको नया सिखाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, नेवर गिव अप। जय हिंद, जय भारत।